मुबारक सूरा मक्की आए। इस सूरा मुबारक में लैलतुल कद्र की फजीलत बयान करे में आगे कुरान शरीफ कद्र की रात में नाजिल थी है कि अल्लाह तबारक व तआला एडा वाज़े तौर से फरमाई दी। सूरा बकरा में अल्लाह फरमाया शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। कुरान शरीफ रमज़ान के महीने में नाजिल थियो। ये एक जगह ते अल्लाह फरमाया इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारक। कुरान शरीफ मुबारक रात में नाजिल थियो। रमज़ान शरीफ में नाजिल थियो ये कुरान शरीफ से खबर पई हुई। रात में भी नाजिल थियो ये भी कुरान की रोशनी में खबर पई हुई। किन रात में अल्लाह ताला नाजिल फरमाया उन जो जिक्र सूरह कदर में आई। अल्लाह फरमाया इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। क़द्र की रात में अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम नाजिल फरमाया। जो सवाल ये पैदा थे तो कुरान शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एज पर द सर्कमस्टेंस जेरी जेरी जरूरत हुई लगभग त्राई वर्जे अरसे में कुरान शरीफ नाजिल थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहली वही सी गिरी त्राई वर्जे अंदर में पूरा कुरान शरीफ नाजिल थियो। एडा फरमाइन में चाहे तो कुरान शरीफ क़द्र की रात में नाजिल थियो। बज़ाहिर एक कंट्रडिक्शन लगे तो कि अकरी रात में कुरान नाजिल थियो ने त्राई वर में कुरान शरीफ नाजिल थियो। तेंजो जवाब ही है कि कुरान शरीफ जेरी जेरी जरूरत हुई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थोड़ी थोड़ी आयत करे नाजिल करे में आ गई। जेरे जेरे हुकुम अल्लाह ताला के दीन हो जो जो बयान करनो हो थोड़ो थोड़ो करे आ गयो। सजो कुरान शरीफ लोहे महफूज में लिखल है। लोहे महफूज सी पहले आसमान में ये कुरान शरीफ के नाजिल क़द्र की रात जी लोहे महफूज डिवाइन टेम्पलेट सी पहले आसमान में नाजिल करे में आवे और पहले आसमान सी जेरी जेरी जरूरत हुई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वही जे जरिए कुरान शरीफ नाजिल। अल्लाह फरमाए रियो है बेशक असा शबे कदर में कुरान के नाजिल करिए। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र गुरु है गुरु की फजीलत है। अल्लाह अपना क्वेश्चन पैदा करिए वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र कि ई लैलतुल क़द्र गुरु है करी नहीं पछे आगे अल्लाह खुद जवाब देनी आई। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। ई रात हज़ार महीने सी अफजल है। हज़ार महीने सी अफजल है। इन जो सबब नुज़ूल बताने में चाहे तो अकरे मौके थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के दरमियान बनी इसराइल के अकरा आबिद अकरा बुजुर्ग उन्हें जो तस्कर फरमाया कि वो बुजुर्ग हज़ार महीनों अल्लाह की इबादत हेरी रीते करिया कि रोज रोजो रे ना ने रोज राजो इबादत कर अकरो बोडी ना महीनों को महीना बिना थाउजेंड मंथ्स मतलब मोर देन 83 इयर्स रोज जो रोजो भी रखना वा ने रोज रात इबादत में भी लगे रहना। तो सहाबा कराम के इबादत जो बहुत शौक हो जो भी गाल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी गिनना वा उनते अमल करने की कोशिश करना वा कोई गाल पूछी गिनना वा कि अजे वधारे अल्लाह से कुर्ब थिल्ला रहे करो पर सहाबा अकरम दे हैड एंथुसियाज्म इने के बहुत वधारे शौक हो ई चीज मते कि जितरो बने इतरो अल्लाह जी रजा हासिल कर लाए कहने इबादत में लगा रहना। तो सहाबा अकरम से सवाल थे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असन की उम्र तो नंदी है आमतौर से हुजूर की उम्मत की उम्र 60 to 70 ईयर्स इन जनरल असान के हीरो सवाब कड़े मेरे 83 इयर्स उनकी इबादत हजार महीनों असान के तो नसीब में आए ना कि हरी इबादत असा करी सी तो अल्लाह तबारक व तआला सहाबा कराम जे ई गुजारिश मथे बल्कि समझी गिनो के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे रहमतुल लिल आलमीन जे सदके में जिने जे रहमत जे सदके में अल्लाह ताला ई रात में इबादत करने वाले के हजार महीने से वधारे इबादत जे सवाब दा सजो हज़ार महीनों इबादत करूँ भी की डी में रोजो रहनू ने सजी रात इबादत करूँ वो हज़ार महीने जी इबादत सी वदी ने खैरों में नल्फ शहर हज़ार महीने से भी बेहतर उन सी वदी ने अल्लाह ताला सवाब अता करे तो वो शख्स के जो कदर जी रात अल्लाह जी इबादत में लगे रहे तो ठीक है जो सदको है
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर जी उम्मत जी बरकत इतनी कि अल्लाह ताला उन्हें जो सदते में आखिरी रात कितनी कला को मगरिब से गिनी ने फजर सुधनी सारा छोगे अगर मगरिब थे थी पौना पंज के अगर फजर की टाइम थे थी तो लगभग दो कलाक के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला दो कलाक की इबादत में हजार महीने कदम वधारे इबादत के सवाब अल्लाह ताला अता करेंगे नेडा हजार महीनों अरबी में अगर ये चोवे तो हजार महीनों तो मतलब बराबर एग्जैक्ट हजार नहीं बल्कि इंजी प्रोमिनेंसी यानी इंजी फजीलत देखकर लाए कि बेहिसाब अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता करे बोझ वधारे अल्लाह ताला सवाब अता करे तो जितरो अल्लाह चाहे तो तजुर्ब कुरान शरीफ की जगह ते आई कि अकरे नेकी जे बदले में हदीस में अचे तो अकरे नेकी जे दो गुना सवाब है कुरान भी है मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा नेकी जे दो गुना सवाब है ने गुना अपरो करन सी अपरोज गुना है अकरे नेकी सी दो नेकी होए अल्लाह फरमाए तो है कि अल्लाह ताला 700 गुना सुधरी सवाब अता करे तो बिटवीन 10 टू 700 टाइम्स वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा ने अल्लाह चाहे तो जिन लाय करे ने 720 भी वधारे अल्लाह 10 टू 700 तो अल्लाह अता करे तो इवन मोर देन 700 जिनके अल्लाह चाहे तो उनके सवाब अता करे तो वो आम नेकी जी गाल है रमजान की इबादत की फजीलत बहुत आला है नफिल जो सवाब फर्ज जो बराबर फर्ज जो सवाब 70 टाइम्स मल्टीप्लाई ने बिरी कदर जी राज जी इबादत जो सवाब अल्लाह तबाराक व तआला बेहिसाब रखी है ये बदे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जी उम्मत में रही जी बरकत है तनजल मलाइका व रूह फरिश्ता ये राज जी नाजिल थी था कितना फरिश्ता वी नेवर नो अल्लाह ताला जा फरिश्ता कितना है पाके खबर नहीं अल्लाह जाने ने दिया था सी अल्लाह जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदाजे लेकर अपनी हदीस के ज़हन में रखेंगे तुम हजरत जिब्रील अमीन अलैहि सल्लतु वसलाम रोज जन्नत के अकरे रिवर में डिप थी था जन्नत के रिवर में पोते डिप थी था यानी अंगोर था जड़े बारा निकलन था तो इन्हें जब विंग्स के झटकन था इन्हें जब विंग्स में से जितना ड्रॉप्स निकलन था हर ड्रॉप के बदले में अल्लाह ताला फरिश्ते के पहले अने हजरत जिब्रील अमीन जो विंग किरो उड़ गई रिवायत में अच्छे तो कि इन्हें जो विंग ईस्ट सी गिनी ने वेस्ट से गिनी मशरिक सी मगरिब अपरो विंग ने टोटल इन्हें जो 600 विंग्स हैं कितना 600 विंग्स अपरो विंग ईस्ट सी वेस्ट टोटल 600 विंग्स हैं अंदाजो करो अगर इतने साइज जो कोई जो विंग हो तो नंदा नंदा कतरा कितना हजार तक ना कितना ड्रॉप्स छन अगर नंदे विंग्स हो तो इधर ईस्ट से गिनी ने वेस्ट से कितना ड्रॉप्स होना वो भी 600 विंग्स में से कितना ड्रॉप्स निकलना होना बेहिसाब करोड़ों अरबों विंग्स में उन्हें और ड्रॉप्स निकलना होना हर ड्रॉप के बदले में अल्लाह तबारक व तआला अकरे अकरे फरिश्ते के पैदा नबी अकरे हदीस सुभान अल्लाह ये बड़े हदीस किताब में लिखा है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत क्रिएशन ऑफ द एंजल्स में तذکرو करिए जो इंग्लिश में भी अच्छी है आई ऑनलाइन भी नारे सिखाता ईमान दासो थी क्रिएशन ऑफ एंजल्स बाय इमाम अहमद रजा रेफरेंस के साथ बता रही है उनमें अकरे हदीस है अपरो फरिश्ते अल्लाह जो है जिनका नाम है रूह फरिश्ते जो नाम रूह उनके अल्लाह तबाराक व तआला 70,000 हेड्स अता करे 70,000 मथा ने हर हेड में 70,000 मुंह है हर मुंह में 70,000 जबान है ने हर जबान में 70,000 लैंग्वेजेस है मेरी रीति हदीस सच्ची मुझे याद अच्छे तो 70,000 हेड्स वो 70,000 हेड में हर हेड में 70,000 फेसेस ने हर फेसेस में 70,000 मुंह हैं हर मुंह में 70,000 लैंग्वेजेस ताने 70,000 मल्टीप्लाई बाय 70,000 पांचो मल्टीप्लाई बाय 70,000 पांचो मल्टीप्लाई बाय 70,000 कितना करोड़ थे कोई अंदाजो न तो कर सके तो जितनी ज़बान इनके आई इतनी ज़बान में ये अल्लाह की तस्बीह बयान करे ने हर तस्बीह के बदले में अल्लाह के ऊपर फरिश्तों पैदा करे अल्लाह तो कितना फरिश्ता ना के अंदाजो कर सके तो ये रात कितना फरिश्ता नाजिल थी तो ये अल्लाह ताला बेहतर जाने तनज़्ज़ुलुल मलाइका हां कुरान से साबित है फरिश्ता नाजिल थी और रूह रूह जो है तो हजरत जिब्रील अलैहि सलाम की तो जिब्रील अलैहि सलाम ये रात नाजिल थी तो ने रूह ईसा अलैहि सलाम जो टाइटल दिया रूहुल्लाह ईसा रूहुल्लाह अलैहि सलाम तो तफसीर में अच्छे तो कि ईसा अलैहि सलाम नाजिल थी तो ने रूह से मुराद सजी कायनात जे रूह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए भी होते जो उम्मत जो मुजाहिरो करी रही ने तफसीर में ये भी अच्छे तो कि रूह से मुराद वो फरिश्तों जिनके संग 70,000 मत्था है
वो भी थी सीखे तो यानी ये फरिश्ता जो अज्जी रात इबादत करता इन्हें लेकर मगफिरत जी दुआ कर तफसीर के मुताबिक जिन फरिश्ते के 70,000 मत्था हैं ने 70,000 इंजा मुंह हैं 70,000 जबान हैं ने हर जबान से अल्लाह की तस्बीह बयान करे तो मतलब तफसीर में अच्छे तो कि हर लैंग्वेज में मुसलमान लगन इस्तिगफार की दुआ करे लियो कितनी बड़ी फजीलत है वो शख्स का कहने जो ये रात की कदर करी लियो फरिश्ते की दुआ जिब्रील अलैहि सलाम की दुआ ने बिरी फरिश्ता जमीन में नाजिल थी तब पांके दिसाई न था पांजे दरमियान फरिश्ता मौजूद है हदीस की रोशनी हदीस से साबित है कि फरिश्ता इधर मौजूद है नहीं गई कल बता रहे हैं हम जिधर अल्लाह जी जिक्र जी महफिल थी फरिश्ता वो जगह के पोते जब परे से आसमान सुनने कवर करी था गई तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर पास फरिश्ते जी जुर्मुट में हूँ इन्हें जो सराउंडिंग्स में हूँ अल्लाह ताला को फरिश्ते जी आमीन पा बदल किया था हाने सवाल ही पैदा थे तो कि फरिश्ता जमीन में गुरे लिया चिंता जमीन में नाजिल थी हालांकि आसमान बहुत बेहतर जगह है कितना फरिश्ता है जो हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे रहता कोई फरिश्ता हमेशा रुकू में होता है कोई फरिश्ता हमेशा सजदे में होता है कोई फरिश्ता हमेशा क़याम की हालत में होता अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा था इनके बावजूद भी जमीन में गुल चुनता तो मुफस्सरीन अकरी बहुत प्यारी गाल फरमाता कि जमीन में अल्लाह का नेक बंदा रहता जिन जगह पर अल्लाह का नेक बंदा होता उन जगह में बरकत होती फरिश्ता इंसान से फरिश्ता अफजल है पर इंसान में जो नेक है जो अल्लाह जो वली है वो फरिश्ते से भी अफजल सिवाय रसूल मलाइका फरिश्ते में जो रसूल मलाइका है फरिश्ते में जो रसूल हैं जो हजरत जिब्रील अलैहि सलाम मीकाईल अलैहि सलाम इज़राइल अलैहि सलाम इसराफिल अलैहि सलाम मालिक अलैहि सलाम मुनकर अलैहि सलाम नकीर अलैहि सलाम जो ये दो फरिश्ता मेन भी नहीं इन्हें से वदीन है ना बिया आम फरिश्ते से वदीन मरतबो है अल्लाह जो वली है ने अल्लाह जो नबी जो बड़े फरिश्ता खादिम होते तो नबी जो मरतबो बदेसी वदीन आई रसूल मलाइका से भी नबी जो मरतबो वदीन है कि बड़े फरिश्ता इन्हें जो खादिम होते तो ये फरिश्ता जमीन में अचल था इनसे ये खबर पहुंची थी मुफस्सिरीन फरमाया था कि आसमान का था जमीन बेहतर है जमीन में अल्लाह का नेक बंदा रहता जमीन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जगह पे हैं वो जगह जो बेहतर है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ में हुआ था मक्का बेहतर मदीने शरीफ में गया था मदीनों बेहतर अज मदीने शरीफ में आराम फरमा रहे हैं तो मदीनों बेहतर है ने कहा जन्नत में होने पर जन्नत बेहतर होने जिधर अल्लाह के हबीब है वो जगह जो बेहतर है तड़े तो आला हजरत अकबर शेर में फरमाई था खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमी से आसमान की जो पुश्त है जो बैक है ये गुरेले होगी मेरे गुरले आसमान जो बैकते है यानी अखरो जमीन आसमान के तानू डीनी है अखरो जब हिंट मारी है कि आसमान तो समझेगी तुझे कहता अफजलियत मिजे में है गुरेले सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमीन से जमीन के तान से आसमान भी झुकी हुई हो जो कि करी ना सी आसमान के कबूल करने जो गुल्ले के जमीन ही बता रही कि सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा तो जिदा जिदा अल्लाह ने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना वो जगह जो बेहतर है तंगरी मदीने शरीफ में तो मदीने शरीफ बेहतर है यानी जमीन बेहतर है तो फरिश्ता इदा नाजिल थी था ये पांच खुश नसीबी आए कि फरिश्ता पांच दरमियान में है नहीं अल्लाह के नेक बंदे जो सदको आए कि इन्हें जो सदके में पांच भी दुआ अल्लाह तबारक व तआला इंशाल्लाह कबूल फरमाए تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي اللہ جو حکم سے نازل کی رہے ہیں من کل لیم ہر ٹیم پہ ایفری سیکنڈ فرشتے جو نزول ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر جگہ سدنی فجر کے ٹیم تھے تھی تنے سدنی فرشتے جو نزول ہو تو ڈان سدنی فرشتہ ادا حاضر رہتا نے ان ٹیم سدنی بدے لیکن سلامتی ہوئی تھی بدے لیکن پیس ہوئی تو اللہ اکبر تو یہ مبارک رات اتنی یہ رات اتنی مبارک ہے کہ یہ رات میں اللہ تعالیٰ سلامتی رکھی ہے یہ رات میں فرشتے جو نزول تھے تو نے یہ رات میں فرشتے جو آمین جو انشاءاللہ پان کے حصوں میری انہوں نے جو یہ رات میں عبادت کرے تو کہ اللہ تعالیٰ ہزار مہینے کا تبدارے ثواب عطا کرے تو یہ بدے صدقو آئے آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نے بیوکر نکتر مفسر بہت پیارو بیان فرمائی تھا کہ یہ رات جی یہ فضیلت آئے کرے لے ہزار مہینے سے افضل کرے لے ریزن اس کی ون اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اسا قرآن کے ہی رات میں نازل کرے تو جن رات میں قرآن نازل تھی ہو وہ رات جی افضلیت ثابت تھی تھی قرآن شریف جن رات میں نازل تھی ہو ان جی افضلیت مطلب اللہ جی بہو وڈی نعمت جن دیے میں جن راتے میں نازل تھی تھی وہ رات فضیلت واری ہوئی تھی برکت واری ہوئی تھی تو مفسرین فرمائیں تھا غالباً شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی تحریر فرمائیں کہ جن رات قرآن شریف نازل تھی ہو ان جی اتنی فضیلت آئے تا
जिन रात उन्हें जी पैदा इसकी जिन मते कुरान नाज़िल थियो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ रात कदर जी रात कता भी अफजल है अल्लाह कुरिल्लाह के कुरान ही रात में नाज़िल थियो ने उम्मे साहिब कुरान दुनिया में आ गया जिन मते कुरान करीम नाज़िल थियो अल्लाह तबाराक व तआला ओ रात में भी बहुत फजीलत अता करी है जिनके जितरो इश्क से जो जितरो इश्क से कुरान की तिलावत करनो जितरे नबी जी मोहब्बत के साथ तफसीर पढ़नो इतरे इंज दिल में ईमान में ताजगी क्या करनी ने अगर कोई खाली मियरी ट्रांसलेशन में रहनो नो तो कोई चीज इनके नहीं मिले वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से मारो गुमराह भी थी तो ने कुरान शरीफ जो तर्जुमो आसान ने ई समझ ले कने भी आयत जहन में खपन ने ई समझ ले कने तफसीर खपे ई समझ ले भी हदीस जो सहारो खपे हदीस जी तफसीर भी खपे ने नबी जी मोहब्बत भी खपे ता कुरान शरीफ के मारो बराबर समझी सिगनो ता ई बदे पॉइंट्स इन जहन में अचना जिनसे कितने ईमान में ताजगी पैदा थी अल्लाह तबाराक व तआला पावदे जी ईमान के कामिल से कामिल तर बनाए दे ने अल्लाह ताला अज राज बरकत से तमाम इनके तमाम इनकी मगफिरत करे बदे के माला माल करे ने तमाम मरहूम जी अल्लाह तबाराक व तआला मगफिरत करे ने की सित्ता रात आई या आखिरी पंज रात में कोई भी अखरी रात आई इनमें भी मुफसरीन फरमाया था हदीस में अचे तो रमजान की आखिरी ऑड नाइट्स ने ताक रातें में कदर के तलाश करो 21st 23rd 25th 27th 29th हदीस में आए ताकि मारो इबादत करन पंजे रात दो रात आखिर में इबादत करी खबे ये फाइव नाइट स्पेशली प्रो खबर की कदर जी रात आई पर अमुक मुफस्सरीन जरा हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास सहाबी रसूल इन्हें कुरान शरीफ की रोशनी में फरमाया कि सित्ता रात ई शब कदर है इनकी वजह ये बता रहा कि ई सूरह कदर में लैलतुल कदर त्रे फेरी आ गई है ने लैलतुल कदर जो लेटेस्ट लैला लाम ये लाम ते पचे अल कदर अलिफ लाम काफ दाल रे तो इनमें नाइन लेटर्स हैं ये आओ है त्रे जगह थे इन्ना अंजलनाहु फी लैलतुल कदर त्रे जगह थे वमा अदराका मा लैलतुल कदर बीजी जगह थे लैलतुल कदर खैरु मिन अल्फ शहर त्रीजी जगह थे तो नाइन मल्टीप्लाई बाई थ्री 27 इनसे फरमाया था कि इनसे इशारों में रह दो कि सित्ता रात ई कदर की रात है ईज वजह है कि दुनिया में हर जगह थे लगभग सित्ता रात जी मारो वधारे देगा थी था इनजो मतलब ये नहीं कि बी रात के इग्नोर करे में अचे ये प्रो इशारों में रिवा है कि थी सी के तो सित्ता रात शब कदर हुई बाकी हदीस की रोशनी में सित्ता रात जी भी खूब इबादत करी खपे ने साथ साथ ई ताक रात में भी अल्लाह जी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करी खपे ने ई रात सूरह कदर पर ने फजीलत ई आई अगर कोई शख्स इन्ना अंजलनाहु फी लैलतुल कदर परी तो बिने तो जितना जाना का जो रोजो रहना जितना जाना जरा इबादत करना अंदाज हुआ कितना जाना इबादत करना रात जागना कितना होना करोड़ दो करोड़ पंज करोड़ दो करोड़ 2 बिलियन मुसलमान है ना दुनिया में तो अगर उनमें से 1% भी जागना होना तो वो बड़ी रकम थी वो बड़ी क्वान्टिटी थी ने कितना जाना रोजो रखना होना जो सूरह कदर पढ़ी गिनो अल्लाह तबारक व तआला जितना जाना रोजो रखना जितना रात जो जागना बदे जो बराबर सवाब किया था इतरो सवाब अल्लाह तबारक व तआला सूरह कदर में रखिया है अल्लाह के मोहतरम हजरात कोशिश ही करो कि कम से कम अकिया ये सूरह मुबारक आई इदा वही ने या घर में वही ने कटे भी अच्छे रात में जितरो बने जितरो तिलावत करी गिनो एटलीस्ट अकिया ने तिलावत करी गिनो ने बरकत लगे ने क्रिया तिलावत करन तो आई बदे सुनी गिनो ताकि अल्लाह ताला बदे की जो सवाब अता करे अऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وآخر دعوانا الحمد لله سلم عليك يا سيدي يا